मथुरा के थाना बलदेव इलाके में एक आरोपी को पकड़ने गई पुलिस टीम का विरोध करने पर पुलिस बल द्वारा आवश्यक बल प्रयोग करते हुए आरोपी राकेश को गिरफ्तार कर लिया गया। इस मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वायरल वीडियो में आप स्वयं देख सकते हैं कि किस प्रकार पुलिस द्वारा बेरहमी से डाल कर ले जाया जा रहा है। यह वीडियो चारों ओर चर्चा का विषय बना हुआ है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस द्वारा इस मामले में अपना बयान भी जारी किया गया है। बताया जाता है कि 20 अक्टूबर 2023 को राकेश पुत्र महावीर द्वारा अपने पिता पर हमला किया गया था। इस मामले में आरोपी राकेश काफी दिनों से फरार चल रहा था। न्यायालय के आदेश पर राकेश को गिरफ्तार करने पहुंची पुलिस टीम का राकेश द्वारा नहाते हुए विरोध किए जाने पर पुलिस बल द्वारा उसे आवश्यक बल प्रयोग करते हुए गिरफ्तार कर लिया गया है। एसपी देहात त्रिगुण बिशुन का कहना है कि आरोपी राकेश को आवश्यक बल प्रयोग करते हुए गिरफ्तार कर लिया गया है। दिनांक 20 अक्टूबर 2023 को थाना बलदेव में राकेश पुत्र महावीर के द्वारा अपने पिताजी महावीर के ऊपर जानलेवा हमला करने के संदर्भ में एक अभियोग पंजीकृत कराया गया था, जिसमें कि उसके अपने भाई हरिओम व रूपेश आदि को नामजद किया था। ये विवाद पारिवारिक संपत्ति के बंटवारे को लेकर के हुआ था, जब इस हरिओम ने अपने पिताजी पर तमंचे से फायर किया था। पुलिस टीम के द्वारा इस मुकदमे के परिप्रेक्ष्य में इसको गिरफ्तार करने का भरसक प्रयास किया गया, परंतु ये पुलिस टीम के द्वारा दस्तयाब नहीं हुआ। इस क्रम में पुलिस टीम के द्वारा दिनांक 4 मार्च 2024 को माननीय न्यायालय से NBW प्राप्त किए गए। उसी क्रम में पुलिस टीम के द्वारा आज इसके गांव पे दबिश दी गई तथा ये उस समय नहाते हुए मिला। पुलिस टीम के द्वारा जब इसको गिरफ्तार करने का प्रयास किया गया तो इसके द्वारा पुलिस की गिरफ्त से बचने का भरसक प्रयास किया गया। पुलिस टीम के द्वारा आवश्यक बल प्रयोग करके इसको गिरफ्तार किया गया तथा इसको ला करके जेल भेजा गया। अगर इसको पुलिस टीम के द्वारा गिरफ्तार ना किया जाता तो ये अपने पिता महावीर के ऊपर निश्चित ही अन्य कोई संगीन वारदात को अंजाम दे सकता था। इसी क्रम में पुलिस टीम के द्वारा इसको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है।